हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूँ निधि। सो दोस्तों, जब भी ना हम घर से बाहर जाते हैं कुछ ज्यादा समय के लिए, तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, पब्लिक टॉयलेट्स को यूज करना। चाहे फिर हम शॉपिंग करने गए हों मॉल्स में, चाहे फिर हम अपने वैकेशन पे गए हों, रोड ट्रिप पे गए हों, ट्रेन ट्रिप पे गए हों, कहीं भी गए हों, सो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम होता है जब हमें पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना होता है। स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि बहुत सेंसिटिव होते हैं टुवर्ड्स इन्फेक्शन, और साथ में अगर आपके छोटा बेबी है तो उसको भी अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करना है, तो हम लोग को थोड़ा टेंशन रहता है ना कि टॉयलेट्स उतने क्लीन नहीं है जितने कि हम अपने घरों में रखते हैं। सो ऐसे में आप क्या कर सकते हो या मैं क्या करती हूँ, अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो आप लोग के साथ मैं इनमें शेयर करूंगी। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, हेल्पफुल होगा, और ये सभी लोगों के लिए होगा, मेल फीमेल बच्चा या बूढ़ा कोई भी हो, ये वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। सो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइज, मैं जब भी पब्लिक टॉयलेट यूज करती हूँ तो मैं यूज करती हूँ एक पीट सैनिटाइजर। सो आज की वीडियो में मैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने वाली हूँ, लेकिन आपको सॉल्यूशंस देने वाली हूँ। और यहाँ पर मैं आपको दो तीन ऑप्शंस दूंगी, जो लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से चेकआउट करके आपको जो पसंद हो आप परचेस कर सकते हो। सो यहाँ पर मैं इस तरीके का एक पी सैनिटाइजर आपको दिखा रही हूँ। ये मैं यूज करती हूँ जब मैं पब्लिक टॉयलेट्स यूज करती हूँ। सो ये मैं हमेशा अपने पर्स में कैरी करती हूँ, तो ये बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है। जब मुझे पब्लिक टॉयलेट्स यूज करना होता है तो मैं बहुत ही कंफर्टेबली यूज कर सकती हूँ, चाहे मुझे अपने बच्चे को लेके जाना हो, चाहे मेरे साथ जो भी गया हो, अगर उसको टॉयलेट यूज करना है तो वो ये सैनिटाइजर यूज कर सकता है। सो इसके बारे में पूरी डिटेल मैं आपको दूंगी। ये मैंने अगेन आपको बता दूं, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड का यहाँ पर रिव्यू नहीं कर रही हूँ, मैं आपको दो तीन ऑप्शन डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए आज हम इसकी बात करते हैं। तो ये पी सैनिटाइजर्स जितने भी आते हैं वो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आते हैं, अंदर से ये स्प्रे रहता है, जैसे कि हमारी डीओ की बॉटल होती है, तो इस तरीके से ये स्प्रे फॉर्म में आता है सॉरी। और ये हमेशा इसका जो साइज होता है वो पॉकेट फ्रेंडली होता है, क्योंकि आपको ट्रैवल में कैरी करना है तो बहुत बड़ी सी बॉटल आप कैरी नहीं कर सकते हो। सो ये 50 या 75 ml की क्वांटिटी में ही मोस्टली आपको ये प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो ये आपको 100-150 रुपए की प्राइस के अंदर ही आपको मिल जाते हैं, कुछ 120 का, जैसे ये वाला जो है ये 100 rupees का है और ये 50 ml की क्वांटिटी है। बट इसके पहले मैंने एक यूज किया था, सो वो 120 rupees का था 75 ml। सो कुछ इसी रेंज में ये प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे, बहुत इजी टू यूज होते हैं, पैकेजिंग मैंने आपको दिखा दी। और इसके अंदर जो रहती है चीजें, मेनली जो इंग्रेडिएंट होता है वो होता है मिंट, क्योंकि मिंट बहुत ही अच्छा डिसइंफेक्टेंट भी होता है और उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी होती है। सो ये जब आप यूज करते हो तो आपका टॉयलेट सीट या फिर जो आपका फ्लश है, जो भी जहां पर भी आप इसको स्प्रे करते हो, तो वो सैनिटाइज भी हो जाता है। साथ में जो भी बैड ऑडर का एक इश्यू होता है ना पब्लिक टॉयलेट्स में, वो काफी हद तक खत्म हो जाता है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, तो आपको मतलब अच्छा लगता है। सो ये सैनिटाइज भी करता है और बैड ऑडर को रिमूव भी करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको यूज कैसे करना है। इसको यूज करने के लिए आपको स्प्रे तो बहुत इजी है, इस तरीके से आपको स्प्रे करना है, लेकिन आपको 4-5 inch की दूरी से आपको स्प्रे करना है। इसको कहाँ कहाँ आप स्प्रे कर सकते हो, आप जो टॉयलेट सीट है उस पर तो करेंगे ही, उसके अलावा जो टैप है या फिर जो फ्लश है, जो भी चीज बेसिकली आप टच करने वाले हो उस पर आप इसको 4-5 inch की दूरी से स्प्रे कर दो, 5-6 seconds के लिए छोड़ दो, तो उसमें क्या ये ड्राई भी हो जाता है और जो भी बैक्टीरियाज वगैरह है वो सब कुछ, मतलब ये अपना काम 5-6 seconds में कर देता है। उसके बाद आप आराम से पब्लिक टॉयलेट्स को यूज कर सकते हो। इसमें बहुत ही अच्छी से एक मिंटी से खुशबू आती है, सो आपको थोड़ा सा फ्रेश भी फील होगा। उसके अलावा ये कोई स्टेन नहीं छोड़ते हैं, मतलब ऐसा नहीं जैसे डीओ वगैरह हम यूज करते हैं ना, तो उसमें एक आपको व्हाइटिश स्टेन आपको अगर आप कहीं स्प्रे करो तो ड्राई होने के बाद दिखता है, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मतलब इसको स्प्रे किया और फिर आपने हाथ लगाया तो आपके हाथ पे स्टेन है किसी प्रकार का, ऐसा नहीं, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, ड्राई हो जाता है, उसके बाद क्लीन और साफ जगह हो जाती है जहां पर भी आपने इसको स्प्रे किया है। सो इस तरीके का कोई इश्यू उसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ कुछ ऑप्शंस जो मैंने यूज किए हुए हैं। एक मैंने यूज किया हुआ है पीसेफ ब्रांड का, मतलब आता है टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। एक और ब्रांड है जिसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसके अलावा ये मैं 4-5 months हो गए मुझे इसको परचेस किए हुए, ये है गुड वाइब्स का मिंट पी श्योर टॉयलेट सीट सैनिटाइजर। सो ये मेरा रिसेंट परचेज है। इसके अलावा मैं 2 और यूज कर चुकी हूँ, तो पी सेफ भी मुझे काफी पसंद आया था, काफी अच्छा था। ये जो बॉटल आपको मिलती है या 50 ml की या 75 ml की, ये टोटल अराउंड 150 स्प्रेज आपको प्रोवाइड कराती है।
सो 150 का अगर हम एवरेज माने तो आपको एक बार जब आप टॉयलेट मतलब यूज जाते हो, वॉशरूम यूज करते हो, तो आपको करीब 10 स्प्रे तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि आप टॉयलेट सीट सैनिटाइज करोगे, फ्लश और डोर नॉब्स, ये तीन चीजें तो करोगे ही सैनिटाइज, तो उसमें करीब आपको 8 से 10 स्प्रे लगते हैं। सो मुझे लगता है कि ये 15 से 20 बार आप इसको यूज कर सकते हो, इट डिपेंड्स कि आप कितना यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से 15 से 20 बार आप इसको यूज कर सकते हो। सो आई थिंक बहुत अफोर्डेबल है और बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है, कुछ ऐसा नहीं है, तो आप मेरे हिसाब से ये 100 रुपए तो जरूर इन्वेस्ट कर ही लो इन सब चीजों में, क्योंकि ये आपको बहुत सारी चीजों से, बहुत सारे डिस्कम्फर्ट से बचाता है। सो आगे से जब भी आप ट्रैवल पे जा रहे हो, अगर आपके साथ छोटा बेबी है, बेबी यानी कि जो 5-6 साल के जो बच्चे जो वॉशरूम्स यूज कर सकते हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ, सो अगर उस तरीके के आपके साथ बच्चे हैं, या फिर आपके साथ कोई प्रेग्नेंट लेडी जा रही है, या फिर आपके साथ कोई बूढ़े बुजुर्ग हैं जिनको कि इस तरीके की प्रॉब्लम्स हो जाती है, मेनली उन लोगों के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है। और इन जनरल मुझे लगता है सब लोगों को, जो भी लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, जो पब्लिक टॉयलेट्स यूज करते हैं, तो उनके लिए ये इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट जरूर आपको यूज करना चाहिए, क्योंकि ये पर्सनल हाइजीन की बात है और मुझे लगता है कि हम अपने हाइजीन के लिए 100 रुपए तो जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो आप ये इस टाइप के प्रोडक्ट में जरूर से इन्वेस्ट कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, यूजफुल होगा और आप लोगों को कुछ जरूर सॉल्यूशन मिला होगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और जरूर शेयर कीजिए सभी के साथ में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।